हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, अगर आप डेल लैपटॉप यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर आपको वार्निंग बैटरी इज क्रिटिकल लो करके एरर मैसेज आ जाता है जब भी आप अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप स्टार्ट करते हो, तो ये प्रॉब्लम आपको कैसे ठीक करना है, कैसे फिक्स करना है, हम लोग सब इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है आपके लैपटॉप के अंदर, वो प्रॉब्लम आपको कैसे ठीक करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आपने पावर केबल आपके लैपटॉप के साथ अटैच करके रखा है, लगा के रखा है, वो आपको चेक करना है कि वो प्रॉपर तरीके से लगा है या नहीं है। इसको चेक करने का तरीका ये है, जैसे आप इसको अनप्लग करोगे तो यहाँ पर आपका जो बैटरी है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, और अगर जब आप इसको कनेक्ट करते हो तो यहाँ पर देखिए ये बैटरी थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, लाइट सी आ जाएगी आपके यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। तो आपको मेक श्योर करके रखना है कि जो आपका ये यहाँ पर पावर केबल है वो आपके लैपटॉप के साथ प्रॉपर अटैच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है जो आपका अडेप्टर है, जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो ये बैटरी है ये ग्रीन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो आपका पावर सप्लाई है वो पीछे से आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप स्टार्ट करते हो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आपके जो विंडोज है उसके अंदर लॉगिन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसका एक और रीजन हो सकता है, अगर आप मान लो जब भी आप अपना सिस्टम शट डाउन करते हो, जैसे कि आपने अपना लैपटॉप शट डाउन कर दिया है, उसके बाद भी आपको क्या होता है कई बार, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने आपके लैपटॉप के अंदर एंटर कर लिया है, लॉगिन कर लिया है, तो फ्रेंड्स इसका एक रीजन भी हो सकता है। जब भी आप अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप शट डाउन करते हो तो उस केस में कई बार क्या होता है, जो आपके लैपटॉप की बैटरी है वो डिस्चार्ज होती रहती है, बैक एंड में चलती रहती है, जिसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट बटन पर आपने क्लिक किया और यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रन के अंदर जाना है। रन बटन है यहाँ पर, आपको दिख रहा है, रन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है कंट्रोल, जैसे कि यहाँ पर आप दिख रहा है, आपको यहाँ पर कंट्रोल टाइप कर देना है और ओके बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने ओके बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। अगर आपको ऐसे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ पर आप लार्ज आइकन्स के अंदर जाकर यहाँ पर ये सेटिंग्स भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप जो सेंटर वाला ऑप्शन है आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये सेंटर वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया गया है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना, आपका कैटेगरी अगर होगा यहाँ पर तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, तो ऐसे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पावर का जो ऑप्शन है आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। पावर ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओके। इसके बाद आपको तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर जो ये ऊपर वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखने लग जाएंगे, ये इनेबल हो जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपको टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप, ये वाला ऑप्शन आपको अनचेक कर देना है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये सेव चेंजेस का बटन है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो जब भी आप अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप स्टार्ट करोगे तो ये प्रॉब्लम जो बैटरी लो, क्रिटिकल बैटरी लो का जो आपको एरर आ रहा था वो नहीं आएगा। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है उसको आपको कैसे ठीक करना है, उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन द्वारा ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।